देखिएगा देखिएगा, एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ सवाल हैं आपके जो बार बार मुझसे पूछे गए हैं। मैं अपने वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि इसका जवाब ये होता है और इसका जवाब ये होता है, ऐसे ऐसे करना है वैक्सीनेटर और सहाय को लेकर के। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे हैं जो मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आज मैंने सोचा दो चार मिनट में, दो चार सवाल हैं मैं उसको फटाफट आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि एक लड़का मेरे से पूछा है कि सर मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ और मैं 10वीं क्वालिफिकेशन फेल हूँ और मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ। मेरे मित्र, आप पागल तो नहीं हैं? आप मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं? आप 10वीं फेल हैं तो फिर मेडिकल स्टोर खोलना तो आपके लिए है ही नहीं। आप पढ़े लिखे होंगे तो कुछ नॉलेज गेन करके या फिर सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के खोल सकते हैं, लेकिन आप तो 10वीं फेल हैं तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। और एक और लड़का है, वो पूछा है कि गोरखपुर में चयन कब होगा वैक्सीनेटर और सहायक का। तो मेरे मित्र, गोरखपुर में कुछ जगहों पे हो चुका है और कुछ जगहों पे जो है बाकी है। तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप नज़दीकी जो पशु विभाग, जो आपका ब्लॉक है वहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, उनसे जाके संपर्क कीजिए, वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है? क्योंकि अब इतना पूरा यूपी मेरे को तो इतना हैंड में नहीं है ना, मैं जितना नॉलेज है उतना ही बता सकता हूँ आपको। तो अपने पशु विभाग के पास जाकर के आप पूछिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा लड़का कोई है मऊ से, वो कह रहा है कि सर मैंने फार्म डाला था लेकिन अभी तक हुआ या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊँ? तो दोस्त, आप उसमें मोबाइल नंबर लिखे होंगे तो आपको फ़ोन आएगा, और ज़्यादा बेचैनी है तो आप जाकर के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। कुछ जगहों पे हो चुका है, कुछ जगहों पे टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप पशु विभाग के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क में रहिए, वो बता देंगे। जैसे मेरा था, मैंने संपर्क करते रहा तो पता लग गया, ठीक है? वैसा आपका भी है, वैसा भी हो जाएगा। एक और लड़का है कोई, वो पूछता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी? अरे मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूँ, पता नहीं कितनी, हर एक वीडियो में मैं बता ही देता हूँ कि इसमें सैलरी नहीं है, इसमें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है, इसमें टीकाकरण होता है और टीकाकरण जो है एक टीके का 3 रुपये, 3.5 रुपये ऐसे करके आपको मिलेगा, और जो सहायक लोग हैं वो उनका 2.5 रुपये मिलेगा, ठीक है? और जितने हज़ार आपके मतलब क्षेत्र में पशु होंगे आपके ग्राम सभा में, जितने हज़ार, जैसे मान लो कि आप 3000 हैं तो 3000 के हिसाब से आपको 9000 मंथली इनकम, सॉरी मंथली कह रहा हूँ, एक बार 9000 इनकम, लेकिन साल में 3-4 बार आ सकता है, ऐसे 9-9 करके 3-4 बार भी आ सकता है। और इसके साथ साथ आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, कि मतलब कई तरह से बेनिफिट हो सकता है आपको। तो इसका अनुमान अभी सैलरी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें सैलरी नहीं है, ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है, ये आपका खुद की मर्जी है कि आप इसमें करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप इसके साथ साथ कोई और व्यापार करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं कल वाली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन कुछ कमेंट हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मित्र, ये समझ चुके हैं आप, चलिए हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेटर लोग सुई लगाते हैं, लगाना चाहिए। और एक बात और कि मैं इसमें लगा के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ अनुभव बता दूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं कि मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ मैं आपको अनुभव दे देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के भी। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पशु से संबंधित आपको हर एक जानकारी देता रहता हूँ, और जो भी वैक्सीनेटर की या सहायक की भर्ती होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है? तो देखिए, जैसे ये भैंस है और भैंस के ये दो सिंग वगैरह हैं, आपको सब पता ही है, ये गला है, यहाँ पे इसका टीका लगता है। टीका मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं टीका लगाऊंगा, लेकिन मैं अनुभव के तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये गला है ना, जो ये देख रहे हैं आप, यहीं पे इसका टीका लगता है, ठीक है? कुछ टीके होते हैं जो नसों में और इधर उधर लगते हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं टीका लगाऊंगा, और लेकिन मैं आपको अनुभव बता देता हूँ। और आप अपने हाथ से ऐसे लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग ले करके ही आप ये काम कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। कुछ लोगों को कमेंट आ रहे थे ज़्यादा बेचैनी कि सर मैं टीका लगाना चाहता हूँ। अरे मेरे दोस्त, भैंस और चाहे गाय, कोई जानवर इंसान, उसको ऐसे थोड़ी लगा दिया जाएगा, पहले उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद से आप उसको टीका लगाएंगे।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको एक ऐसी टॉपिक की वीडियो आपको देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, कोई जानकारी होता है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।